ये है जम्मू शहर का एक खूबसूरत नजारा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है तवी नदी। तवी नदी में इन दिनों साबरमती रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। ऐसे में आप इसकी कई सारी धाराएं आप देख रहे होंगे, क्योंकि बीच बीच में इसको अभी इसमें से पत्थर और रेत ये सब निकाला जा रहा है। और इस पर चार पुल बने हुए हैं, एक भगवती नगर का है, उसके बाद बीच में एक पुल आता है विक्रम चौक का, और फिर एक पुल आएगा यहाँ बाबे, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, बाबे वाली माता का मंदिर है। ये बाहु फोर्ट के अंदर है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले आप यहाँ से एक नज़ारा देखिए। ये बाघ ए बाहु पार्क है, जिसको राजा बाहु के नाम पर इसको बनवाया गया था, और आज का बना हुआ नहीं है, जैसा कि हर चीज जो है ये मोदी सरकार बना देती है। ये बहुत पहले का ये बना हुआ, ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप एकदम से एक पहाड़ी इलाके में आ गए। एक छोटी एक पहाड़ी है, उस पर बसा हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है। और इसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ये है बाहु फोर्ट। इसी फोर्ट के अंदर बाबे वाली माता का मंदिर है, जो राजा यहाँ के थे, राजा बाहु, उनकी कुलदेवी जो है थी, और अब तो ये पूरे शहर की ये देवी है। और इन जो भी वैष्णो देवी आता है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आता है। अभी जो कि नवरात्र है तो वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप देख रहे होंगे अच्छे खासे लोग यहाँ पर दिन भर यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते रहते हैं। अब चूंकि शाम ढल रही है और ऐसे में जो है यहाँ से एक बहुत खूबसूरत नजारा होता है। तो जब भी आप घूमने के लिए आए जम्मू कश्मीर, तो ये कुछ ऐसी जम्मू की खूबसूरत जगहें हैं जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। मतलब मानतलाई, पत्नी टाप, सनासर, नत्था टाप, उसके बाद आप डूडू बसंतगढ़, इन सब इलाकों के अलावा जम्मू शहर के इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं। मानसर, सुरईसर, ये दो लेक हैं जहां पर अगर आप जाएंगे तो आप वहां पर मछलियां आपके पीछे पीछे झील के किनारे आपको दौड़ेंगी, अच्छी खासी बड़ी बड़ी मछलियां। तो ये आपके लिए एक मैंने कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताए, जहां जब भी आप आए तो यहां का नज़ारा आप ले सकते हैं।